हेलो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अ बिग डंबल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 60 ग्राम एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। यानी एक डंबल बनाया गया है जिसके अंदर किसका यूज किया गया है, तो उसके अंदर यूनिफॉर्म रॉड का यूज किया गया है। उस रॉड का मास कितना है? तो उस रॉड का मास है 16 ग्राम और लेंथ कितनी है? तो लेंथ है 20 सेंटीमीटर। टू आइडेंटिकल सॉलिड थर्मोकोल स्पीयर ऑफ मास 25 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इच आर एट द टू एंड ऑफ रॉड। यानी ये जो रॉड है उसके साइड साइड में हमने क्या किया है? थर्मोकोल के स्पीयर अटैच कर दिए हैं। इस थर्मोकोल के स्पीयर का मास कितना है? तो वो है 25 ग्राम और रेडियस कितनी है? तो वो 10 सेंटीमीटर है, ऐसा कहा गया है। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डम्बेल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। यानी ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उस डम्बेल का, वो कितना होगा जब एक्सिस उसके सेंटर से पास होगा और उसके लेंथ से परपेंडिकुलर होगा, तो वो हमें निकालना है। तो आइए सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये मैं सबसे पहले तो आपका डंबल का रॉड बना रहा हूं, ये समझ लेते हैं। रॉड इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, राइट? ये इसकी लेंथ हो गई। और इससे क्या अटैच है? तो इससे अटैच है आपके स्पीयर, ये ऐसे स्पीयर अटैच है, राइट? और एक स्पीयर, सॉरी, एक स्पीयर ऐसा अटैच है। इस स्पीयर का मास कितना है? तो वो 25 ग्राम है। और यहां से ये रेडियस कितनी है? तो ये रेडियस कहा गई है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो हमको कहा गया है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कितना होगा वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों कॉन्सेप्ट की चीजें करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रॉड होता है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मान लो ये एक रॉड है, ये समझ लेते हैं एक रॉड है। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड वो कितना होता है? तो वो होता है एम एल स्क्वायर बाय 12। तो ये इसकी लेंथ है, राइट? इसका मास है और इस एक्सिस से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कितना होगा? तो वो होगा एम एल स्क्वायर बाय 12। अब जो स्पीयर होता है उस स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है वो भी निकाल लेते हैं। मान लो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पास हो रहा है, तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर कितना होगा? तो वो होता है 2/5 mR². अब ये स्पीयर इस रॉड को अटैच कर दिए हैं, तो हमको जो इस एक्सिस से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहां पर दो स्पीयर है, इसको बोल लेते हैं I1 एंड I2, ऐसा बोल लेते हैं। एक I1 इधर है, एक I2 इधर है। ये एक I1 इधर है और एक I2 इधर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोल देते हैं I3। तो ये जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? I=I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हमको अभी I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? I3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I3 का फॉर्मूला क्या है? तो I3 का फॉर्मूला है एम एल स्क्वायर बाय 12। तो m कितना है? मास दिया है रॉड का 60 ग्राम, तो यहां पर लिख देंगे 60 × l कितनी है बेटा? तो l है 20, तो यहां पर 20² / 12, तो ये कितना आएगा? 12 × 5 = 60। तो
तो ये कितना आएगा, 400 गुणीला 5, ये कितना आता है, ये आता है 2000। यूनिट तो मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, आप यूनिट लिखिए, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो। अब हमको यहां पर I1 और I2 निकालना है, जैसे ये डंबल से यहां पर अटैच कर दिया है, तो I1 क्या होगा और I2 क्या होगा। तो I1 और I2 डायरेक्टली निकलेंगे नहीं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो आपको पता ही होगा, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। अब ये ICs क्या है, तो IC है इस एक्सिस के अलोंग पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो कितना है, तो वो है 2/5 MR स्क्वायर, 2/5 MR स्क्वायर प्लस M इंटू H। H कितना है बेटा, तो H का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 10 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 10, तो टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 MH स्क्वायर। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 20। तो मैं क्या करता हूं, सभी वैल्यू पुट कर देता हूं, 2/5 इंटू IC। स्पीयर का मास कितना है, तो वो है 25 इंटू 10 स्क्वायर प्लस m कितना है, 25 इंटू h कितना है बेटा, तो h है 20 स्क्वायर 5, तो ये कितना आ गया यहां पर, 10 गुणिला 100, ये आता है 1000 प्लस 25 400, 400 गुणिला 25 कितना आएगा, 10,000। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 11,000। तो यहां पर I1 की वैल्यू है 11,000, I2 की वैल्यू है 11,000 और I3 की वैल्यू है 2,000। तो 11,000 प्लस 11,000 कितना आएगा, वो आएगा 22,000 प्लस 2,000 कितना आता है, 24,000 वैल्यू आ जाती है। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, तो I की वैल्यू गई 24,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर।